Dear students, welcome to my YouTube channel. In this video, today I will explain new and old terminologies of chapter 1 in history. So in last session, we did complete the difference between map 1 and map 2. So now let's start. If the context in which information is produced changes with the time, what about language and meaning? So, यहाँ पे कहने का मतलब है कि context अगर change होता है तो उसकी information भी change हो जाती है समय के साथ, with the passage of the time. Now, अब क्या ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या लैंग्वेज और उसके मीनिंग्स भी बदल जाते हैं? हाँ, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, और जो कि साल दर साल चेंज भी होते गए हैं. मिडीवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. जो आज की जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है वो मिडीवल पर्शियन लैंग्वेज से बिल्कुल चेंज है. सो द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद द रिगार्ड टू द ग्रामर एंड वोकैबुलरी. केवल उनके व्याकरण या वोकैबुलरी, मतलब क्या होता है, शब्दकोश या कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स जो हैं, वो केवल चेंज ही नहीं, उसमें केवल ही डिफरेंस नहीं है बल्कि उनकी मीनिंग्स और वर्ड्स मीनिंग्स में भी चेंज आ जाता है समय के साथ. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मिडीवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन. तो बात अगर हम करते हैं मिडीवल पर्शियन की, तो इसमें जो मिडीवल पर्शियन लैंग्वेज है, आपका पर्शियन लैंग्वेज जो है एक फारसी लैंग्वेज है, और जो कि 7th century में सासानियन एम्पायर में यूज़ की जाती थी. Before the arrival of Britisher, Farsi language was used as a code language. Therefore, Dari is another Persian language. Dari jo hai ek other Farsi language hai which is spoken in Afghanistan. Yani angrezo ke aane se pehle Farsi language ka use jo log karte the wo court language mein karte the. Court matlab language kya, jo darbar ke kaam mein, jo administration ke kaam mein jo language use ki jati thi use कोड लैंग्वेज कहा जाता है. फिर क्या हुआ कि अफगानिस्तान में जो आज की पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है उसे दारी लैंग्वेज कहा जाता है. अब बात करते हैं, लेकिन ये तो आपका हो गया मिडीवल. अब जो है आफ्टर 1935 के बाद पर्शिया नाउ चेंज इनटू ईरान. पर्शिया को किस में बदल दिया गया है, ईरान. तो इसका मतलब कि आज का जो ईरान है वो मिडीवल ईरान कहा जाता था, ठीक है ना. तो आज मॉडर्न पर्शिया जो है ईरान है, और पर्शियन पीपल क्या है, ईरानियन पीपल हैं. सो देयर आर 5 कंट्रीज इन टोटल डेट कंपोज अ पर्शियनेट वर्ल्ड. केवल 5 देशों को मिलाकर एक पर्शियनेट यानी पारसी संसार बनता है. कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और ईरान. तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान. इसमें इन प्रेजेंट टाइम तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ द ईरान. पर्शियन लैंग्वेज इज़ लिटिल बिट सिमिलर टू द संस्कृत लैंग्वेज. पर्शियन लैंग्वेज की एक और खासियत है कि ये जो है संस्कृत लैंग्वेज से थोड़ी मिलती जुलती है. अब बात करते हैं यहाँ पर
ईरान में फारसी लैंग्वेज का, इन मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं हम, ईरान में फारसी लैंग्वेज यूज़ हो जाती है, ताजिकिस्तान में ताजिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, अफगानिस्तान में दरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। समझ गई बात? तो ये सब क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि आज इन प्रेजेंट टाइम में ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती हैं। तो एक बार एक क्लिपिंग देख लेते हैं हम लोग। 7th सेंचुरी में ससेनियन की बात कर रहे थे, तो ये रहा आपका 7th सेंचुरी में जो पर्शियन, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, हम इस चैप्टर में कितना कवर करेंगे, 1000 ईयर्स में आने वाले जितने भी चेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला चेंज क्या है कि हमने पहले वाले में पढ़ा था मैप में चेंजेस थे, अब इसमें पढ़ेंगे लैंग्वेज में कैसे चेंजेस थे, ठीक है ना। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जितने भी हैं वो कितनी लैंग्वेजेस में लिखे गए और उनकी मीनिंग्स समय के साथ साथ बदलते गए। तो ये आपका रहा पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन एम्पायर, ठीक है ना, इन 7th सेंचुरी में। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आपका अब यहाँ पे आते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, आज हम हिंदुस्तान को क्या बुलाते हैं, इंडिया। लेकिन वेन द टर्म वॉज यूज इन 13th सेंचुरी बाई मिन्हाजी सिराजा क्रोनिकल हु रोट इन पर्शियन, ही मेंट द एरियाज ऑफ द पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। जब मिन्हाजी सिराज कौन थे? मिन्हाजी सिराज एक पर्शियन क्रोनिकलर थे। पर्शियन क्रोनिकलर कौन होते हैं? क्रोनिकलर मतलब क्या होता है? हिस्टोरियन, यानी कि जो इतिहासकार, जो राजाओं के इतिहास लिखते हैं, ठीक है ना। तो मिन्हाजी सिराज जो था वो एक हिस्टोरियन था, और उसका जो वो उसका जो जन्म हुआ था 1193 में हुआ था, और उसका पूरा नाम क्या था? अबू उस्मान मिन्हाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन वो था, ठीक है ना। और वो उसने बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे मुग़ल एम्पायर्स के बारे में लिखा, जिनमें एक रजिया सुल्तान का नाम भी आता है। उस रजिया सुल्तान के बारे में उसके क्या थॉट थे? रजिया सुल्तान इज़ मोर कैपेबल रैदर देन हर ब्रदर्स, यानी कि टू सिट ऑन द थ्रोन, यानी सिंहासन पर बैठने के लिए रजिया सुल्तान बहुत ही कैपेबल हैं, वो पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं, ठीक है ना। सो ये उनका थॉट था। तो उन्होंने ही एक वर्ड, जब उन्होंने हिंदुस्तान को डिफाइन किया, तो उनके अकॉर्डिंग वो हिंदुस्तान को कौन कौन से रीज़न के अंदर मानते थे, जो ऐसा हिंदुस्तान उन्होंने डिस्क्राइब किया, ऐसा हिंदुस्तान जो कि पंजाब हरियाणा और द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना के बीच में जितना भी रीजन आता है वो क्या है? हिंदुस्तान। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर द लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। उसने इस टर्म का यूज इन अ पॉलिटिकल सेंस में किया था, यानी कि एक पॉलिटिकल, यानी कि इसमें क्या है, जो उस वक्त दिल्ली सुल्तनत के अंडर कंट्रोल जितने भी रीजन से, उसमें जो था हिंदुस्तान का ये वर्ड यूज़ किया गया था। नाउ अब बात करते हैं बाय कंट्रास्ट, लेकिन बाय कंट्रास्ट मतलब क्या होता है? इसके टोटल उलट, यानी इसके अपोजिट। तो इन लेकिन इसके अपोजिट जब अर्ली 16th सेंचुरी बाबर ने क्या किया कि अर्ली 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान को क्या बताया, हिंदुस्तान को कैसे डिस्क्राइब किया? जब बाबर ने उसे हिंदुस्तान को बोल डिस्क्राइब करना, तो उसने कौन सा सेंस लिया था? उसने ज्योग्राफी, यानी इसकी टोपोग्राफी को डिफाइन किया, और फौना, जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स मतलब क्या होता है? सिटीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे क्या है? मीनिंग फॉर इंडिया। ओके, सो सब कॉन्टिनेंट को इंडिया भी माना जाता है।
तो इस हिसाब से तो बाबर ने जब वर्ड को जब हिंदुस्तान को जब इस वर्ड का यूज़ किया तो उसके लिए ये मीनिंग था, ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ द सॉरी फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जबकि 4th सेंचुरी में जब आपका जब 14th सेंचुरी में जब अमीर खुसरू ने इसे हिंद नाम से बुलाया, इंडिया को किस नाम से बुलाया था, हिंद के नाम से, और जब हिंदी के नाम से बुलाया गया था तो वाइल द आइडिया ऑफ द ज्योग्राफिकल एंड कल्चर एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, तब भी जो इंडिया को क्या एक ज्योग्राफिकल यानी ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी के हिसाब से बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है ना, और एक कल्चर एंटिटी है, यहाँ पे संस्कृति के हिसाब से इसको हिंद के नाम से बुलाया गया था, बट किसी का भी मीनिंग पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग उन्होंने यूज़ नहीं किया था, एक्सेप्ट मिन्हाजी सुराज क्रॉनिकलर। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि हमारा जो हिंद वर्ड टर्म यूज़ किया था किसने, अमीर खुसरू ने, ठीक है ना, वो भी किस लिए किस टर्म में यूज़ किया था, किस सेंस में, ज्योग्राफी और कहते हैं कल्चरल एंटिटी के यूनिकनेस के वजह से किया था। अब आते हैं